ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए बात करते हैं राज्यसभा के रण की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सपा विधायक मनोज पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। मनोज पांडे ने सपा के सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। मनोज पांडे की नेम प्लेट भी बदल दी गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के कहने पर नेम प्लेट जो है वो भी बदल दी गई। ये तस्वीरें आपको भी दिखाई जा रही हैं। ऊंचा हार से सपा विधायक है मनोज पांडे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया, डरपोक और बिकाऊ विधायक नहीं चाहिए। तो देखिए, सपा को आज एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। राज्यसभा का चुनाव और ऐसे में मुख्य सचेतक के तौर पर मनोज पांडे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, नेम प्लेट हटाते हुए अखिलेश यादव के आदेश पर नेम प्लेट हटाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने बयान भी दिया, बिकाऊ और डरपोक विधायक नहीं चाहिए। देखिए, आज राज्यसभा का इलेक्शन, राज्यसभा के लिए वोटिंग विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद से हमने इस्तीफा दे दिया और जारी भी कर दिया। नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद से हमने इस्तीफा दे दिया और जारी भी कर दिया। तो राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, 3 राज्य की 15 सीटों पर चुनाव हो रहा है। 15 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। यूपी, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक की सीटों पर मतदान हो रहा है। आज ही नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। 5 बजे से कहा जा सकता है कि वोटों की गिनती शुरू होगी। 41 सीटों के नतीजे पहले ही घोषित हो चुके हैं। 4:00 बजे तक वोटिंग होनी है। 5:00 बजे से वोटों की गिनती होगी। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर, आरएलडी के 9 विधायकों ने बीजेपी को समर्थन दिया है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन दिया है। 9 विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार को वोट डाला है। आरएलडी के 9 विधायकों ने बीजेपी को समर्थन दिया है। जयंत चौधरी का वो बयान आपको याद होगा, जिस दौरान चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अब एनडीए को कैसे इनकार कर दूं, और तभी से ये माना जा रहा था कि नजदीकियां बढ़ रही हैं। आज राज्यसभा चुनाव में आरएलडी ने बीजेपी का समर्थन करके ये साबित कर दिया है। सहयोगी अभिनव पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव, देखिए, कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो विक्ट्री साइन दिखा रहे थे, ऐसा उनके सहयोगी दल पूरी तरह से काम कर भी रहे हैं, और विपक्ष को एक के बाद एक झटका जरूर लग रहा है, खासकर सपा। बिल्कुल, मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी को काफी झटका लगा है। झटका इस बात की कि जो मुख्य सचेतक मनोज पांडे है, पार्टी जो है उनसे वो विरोध भाजपा को वोट करने जा रहे हैं, वो भाजपा में जा रहे, भाजपा में ऐसा प्रयास है कि जा रहे हैं। और सबसे बड़ी इस बात की पुष्टि इस बात की होती है कि न्यूज़ इंडिया ने सबसे पहले दिखाया कि किस तरह से जो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में, जो विधानसभा के कार्यालय जहां मैं इस समय मौजूद हूं, वहां के कार्यालय में जो अब नेम प्लेट लगी हुई थी मुख्य सचेतक मनोज पांडे की, उसको हटवा दिया गया है वहां से, तो ये स्पष्ट है। दूसरी, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह, ये तीनों भी जो है, ये दोनों भी विधायक जो है वो उन लोगों ने भी भाजपा को वोट करने का फैसला किया है, या क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं ताकि उससे जो है गणित बैठ सके, और जो भाजपा का जो 8वां प्रत्याशी है संजय सेठ, वो आराम से जीते जाए। इसके बाद जो है राष्ट्रीय लोकदल की सारे प्रत्याशी जो 9 के 9 जो विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी को न वोट कर बल्कि भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो 4 विधायक हैं, जिन लोगों की भले वो राष्ट्रीय लोकदल के थे, लेकिन बैनर जो उनका था, जो उन लोगों सिंबल यूज इस्तेमाल किया था, वो समाजवादी पार्टी का इस्तेमाल किया था, तो यानी वो समाजवादी पार्टी के खेमे में जा सकते थे, लेकिन उन लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का फैसला लिया है। उधर अगर आप देखिए तो बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि
उमाशंकर सिंह, उन्होंने भी भाजपा को वोट करने का फैसला कर दिया है। ऐसे में भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनकी दावेदारी सबसे मजबूत हो जाती है और ये माना जा रहा है कि संजय सेठ जो है वो चुनाव अब जीत सकते हैं क्योंकि सारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विक्ट्री साइन भी दिखाते हुए नजर आए थे। लौटेंगे आपके पास, अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राज्यसभा का रण आज चल रहा है, हमारे साथ सहयोगी अभिनव लगातार बने हुए हैं। अभिनव देखिए, ये कहा जा सकता है कि इस वक्त संजय सेठ वर्सेस आलोक रंजन हो चुका है। सपा के विधायक लगातार हम देख रहे हैं कि जो बगावत है वो बढ़ती जा रही है। अभय सिंह ने ट्वीट भी किया, अभय सिंह का बयान जो आया उसमें उन्होंने पोस्ट के जरिए ये लिखा भी है, जय रघुनंदन जय सियाराम। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कहा भी गया था कि जिनकी अंतरात्मा जागेगी वो राम का विरोध नहीं करेंगे। देखिए बिल्कुल, मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी के खेमे में इस बार हलचल है। ऊपर जो है कमरे में अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं मौजूद हैं, रामगोपाल यादव इस समय मौजूद हैं, सारे जो विधायक हैं उनके खेमे के वो विधायक बैठे हैं और उनको वरीयता के आधार पर उनको ये बताया जा रहा है कि किसको किसको वोट करना है। लेकिन तीसरा जो है समाजवादी पार्टी में जो आलोक रंजन है, आलोक रंजन का पेच फंस इसलिए जाता है क्योंकि अब जो है जो विधायक है समाजवादी पार्टी से जो विधायक है लगभग माना जा रहा है कि 7 विधायक है, पूजा पाल भी उसमें शामिल है, 2 विधायक इसमें एबसेंट है जिसमें कि दोनों जेल में हैं और उनको कोर्ट से परमिशन नहीं मिली है। इरफान सोलंकी को और रमाकांत यादव को जेल से परमिशन नहीं मिली है कोर्ट से उनको कि वो वोटिंग प्रक्रिया में यहाँ पर आ सके हैं। इसके अलावा जो है वैसे ही उनका आंकड़ा कम हो जाता है और 5 विधायक और बाकी हो गए हैं जिसमें अगर मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह और इसके अलावा अभय सिंह, ये 3 तो स्पष्ट है। पूजा पाल का भी जो है ये नाम आ रहा कि वो भी जो है बागी हो गई है, वो भी आज मौजूद नहीं है और कल रात के डिनर पार्टी में भी वो भी मौजूद नहीं थी। ऐसे में जो है कुल मिला के दावे भाजपा के ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। संजय सेठ वर्सेस आलोक रंजन का जो ख्वाब है जो कि जाने का, राज्यसभा पहुँचने का रास्ता जो है वो शायद क्लियर ना हो पाए, लेकिन संजय सेठ दूसरी बार राज्यसभा जा सकते हैं। इसके पहले भी वो राज्यसभा के सदस्य रहे, बल्कि तीसरी बार कहा जाए तो तीसरी बार क्योंकि पहली बार वो समाजवादी पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजा था, उसके बाद वो रिजाइन करते हैं समाजवादी पार्टी से और फिर भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा जाते हैं। कार्यकाल खत्म होने के बाद अब ये तीसरा टेनवर है कि राज्यसभा संजय सेठ को भेजा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए अब देखना दिलचस्प होगा कि ये बगावत आखिर किस ओर लेकर जाती है सपा को। शुक्रिया अभिनव इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर, अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच बहस हुई है, फोन पर दोनों के बीच तीखी बहस हुई है। राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि दोनों के बीच बहस हुई है। पल्लवी पटेल देखिए लगातार आप समझ सकते हैं कि पहले बैठक में नहीं पहुंचती हैं, डिनर पर नहीं पहुंचती हैं और उसके बाद ये खबरें आ रही थी कि बातचीत जो है वो सपा के पक्ष में होती नजर नहीं आ रही है। अब ऐसे में ये खबरें आ रही हैं कि पल्लवी पटेल से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तीखी बहस हुई है, बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, फोन पर दोनों के बीच तीखी बहस हुई है, राज्यसभा चुनाव को लेकर बहस हुई है। और ऐसा भी कहा जा रहा था कि पल्लवी पटेल का कहना था कि वो वोट नहीं डालेंगी, उसके बाद उनका नदारद होना, कयास लग ही रहे थे कि सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन इस बीच ये भी खबरें हैं कि दोनों के बीच बहस हुई है। चलिए एक और बड़ी खबर, सीएम योगी से सपा विधायकों ने मुलाकात की है, सपा के 5 विधायकों ने सीएम योगी से मुलाकात की है, अभय सिंह, राकेश पांडे ने मुलाकात की है, विनोद चतुर्वेदी और मनोज पांडे, सभी 5 विधायकों ने सीएम योगी से मुलाकात की है। विधानसभा सचिवालय में सीएम से मिले हैं ये विधायक। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी से सपा विधायकों ने मुलाकात की है, विधानसभा सचिवालय में सीएम से मिलने पहुंचे हैं ये 5 विधायक जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। बगावत के दौर में ये मुलाकात क्या रंग लाएगी? मनोज पांडे की खबरें भी आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं आज।
विधानसभा सचिवालय में सीएम योगी से मुलाकात करने पहुंचे हैं सपा के 5 विधायक। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है। सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया है। बर्क पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, 94 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। शफीकुर रहमान बर्क संभल सीट से सांसद थे, मुरादाबाद सीट से भी सांसद रहे हैं। मुरादाबाद से सांसद एसजी हसन ने उनके निधन की जानकारी साझा की। शफीकुर रहमान संभल से सांसद जिनका निधन हो गया, लंबे वक्त से बीमार थे। तो 94 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। 17 चुनाव लड़े, 10 में उन्होंने जीत हासिल की। 17वीं लोकसभा के सबसे बुजुर्ग सांसद थे। 11 जुलाई 1930 को जन्मे शफीकुर रहमान जिनका निधन हो गया है, 94 साल की उम्र में अंतिम सांस ली, लंबे वक्त से बीमार थे। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, कई बार के सांसद जनाब शफीकुर रहमान साहब का इंतकाल अत्यंत दुखद है। उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो, भावभीनी श्रद्धांजलि। ये ट्वीट अखिलेश यादव की ओर से किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। We'll be right back.